हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं एमडी अशफाक रजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल कमाल धमाल में। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने वाले, जो ब्लॉग बनाने वाले, वो होगा हमारे गायघाट पुल यानी कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। वो भी जो नया जो ब्रिज बन के कम्प्लीट हुआ है, उसके बारे में हम ब्लॉग बनाएंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हम जो रास्ते की बात करें तो रास्ता दोस्तों इस यहाँ से होते हुए जाएगा। हम अभी जो खड़े हैं, ये बिस्कुमान गोलंबर कहलाता है और रास्ता इधर से होते जाए, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, हाजीपुर मुजफ्फरपुर छपरा, तो वही रूट है इसका। तो चलिए अब हम चलते हैं, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए, अब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। यही रास्ता आगे जाके हमें गायघाट ब्रिज पे लेके जाएगा। आपको पटना में बहुत कम जगह ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे रोड के साइड में, यहाँ से तो शुरुआत हो ही रहा है। इसके ठीक बगल से रेलवे ट्रैक गुजरता है और अभी ट्रेन कुछ चालू हो चुकी है, तो ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे एक सिग्नल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गायघाट ब्रिज वाले रास्ते पर, जिसको महात्मा गांधी सेतु ब्रिज भी कहा जाता है। ये देखिए, सड़क का भी हाल काफ़ी ख़राब है कुछ दूरी पर। वैसे तो ये बस बीच में आ गया, वरना आपको हम कुछ दिखाते ज़रूर यहाँ पे। जैसे कि ऊपर की तरफ देखें, ये है महात्मा गांधी सेतु। वैसे तो स्टार्टिंग थोड़ी ख़राब है, यहाँ का रास्ता काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन आगे से आपको काफ़ी अच्छा रास्ता और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। आप डस्ट देख सकते हैं, डस्ट कितनी ज्यादा है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन। ओ माय गॉड, रास्ते की कंडीशन तो काफी खराब है। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज को बनाने का जो समय था, ये 10 साल में बनके कंप्लीट हुआ था। और इस ब्रिज का जो स्टार्टिंग टाइम था, जब बनना शुरू हुआ था, तो वो 1972 में ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था और 1982 तक ये ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। और इसका इनॉग्रेशन जो है, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था और इस ब्रिज का नाम महात्मा गांधी ब्रिज रखाया था और महात्मा गांधी सेतु रखाया था। जैसे कि आप उस साइड देख सकते हैं, वह छोटी गुरुद्वारा, और छोटी गुरुद्वारा का जो मीनार हमें दिख रहा है। और आगे में देखिए, आगे में वो गायघाट का जो नया ब्रिज बन के कंप्लीट हुआ है, वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे पुलिस वाले रास्ता पार कराते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुलिस वालों की भीड़ है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि अभी इधर का मेंटेनेंस का काम चालू होने वाला है और ब्रिज काफ़ी कमज़ोर हो चुका उस तरफ का। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, ये है हमारा गायघाट ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, जिस पे अभी हम चलने वाले हैं कुछ ही देर में। देखें तो दोस्तों, देखिए ये है वो ब्रिज जो बन के कम्प्लीट हुई है। महात्मा गांधी सेतु का लेफ्ट साइड जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, जाने के लिए सफ़र के लिए वो तैयार है। और यहाँ लिखा हुआ है कृपया एव लेन में चलें। और लाइट ये साइड से, और बाकी बात करें तो वो देखिए गायघाट का हमें एक बोर्ड दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज, काम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और ये है गंगा नदी, इसी के ऊपर ये ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है वो पटना से हाजीपुर की तरफ जाता है, पटना मतलब कि साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार को ये कनेक्ट करता है ये ब्रिज। ये देखिए स्कूटी बहुत तेजी में निकालते हुए। चलिए अब आपको थोड़ा दूर तक का नज़ारा दिखा दें। इस साइड जैसे कि आप देख सकते हैं दूर तक आपको आइलैंड वो दिख रहा होगा, इधर पटना का पूरा पार्ट दिख रहा होगा इस साइड से आपको, ये हो गया। और उसके अलावा अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओह, एक और स्पीड, देखते रहिए। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, रास्ता खाली मिला नहीं कि बाइक को 70-80 पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और रास्ता है भी बहुत ही अच्छा, इस पे तो कोई भी चाहेगा कि हाँ मैं अपने बाइक का स्पीड चेक करूँ, मैं अपने बाइक को और तेज चलाऊँ यहाँ पे। लेकिन दोस्तों तेज चलाना कभी कभी बेवकूफ़ी का काम कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि तेज चलाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जो गाड़ी की स्पीड होती है उस स्पीड को कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों हमें इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज की जो लंबाई है दोस्तों वो 5.7 किलोमीटर है, यानी कि अप्रॉक्स 6 किलोमीटर से कुछ कम, 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप ब्रिज का वर्क देख सकते हैं, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज का जो वेदर है वो भी बहुत ही अच्छा है, वेदर शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी शायद जहाँ तक मुझे मालूम है तो जो इस ब्रिज का जो काम जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो LNT के द्वारा कंप्लीट हुआ है। ये प्रोजेक्ट LNT के हाथों में था इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करने का।
और लेफ्ट साइड का तो जैसा हम देख सकते हैं कि काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इस पे गाड़ियां भी चल रही हैं और बहुत जल्द हो सके तो राइट साइड में भी हाथ लगेगी, क्योंकि राइट साइड अभी तक कुछ हुआ नहीं है, राइट साइड में काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन देखिए शायद बहुत जल्द राइट साइड में भी काम स्टार्ट होगा। और इमेजिन कीजिए आज से 5 साल बाद या 4 साल बाद जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक तरह दिखेंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा ये ब्रिज। तो दोस्तों ये देखिए ये बीच में बहुत जगह मिट्टी निकल चुकी है, ये हमारा गंगा ब्रिज है, सॉरी ये गंगा नदी है और हम जिस पे हैं वो गंगा ब्रिज है। तो चलिए अब आहिस्ते आहिस्ते और आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने जब वहाँ गाड़ी रोका दोस्तों तो मुझे इस ब्रिज का वाइब्रेशन फील हुआ। आप अगर आप यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं या कुछ देर रुक के देखते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होगा इस पे। यहाँ पे गंगा नदी का पानी खत्म हो चुका है, मतलब कि ये खेती वाला एरिया यहाँ से शुरू हो चुका है। वैसे आप देख सकते हैं सब केले के पेड़ है, वो जितने भी आपको दिख रहे हैं। इधर जो है केले की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे शायद बीच का कोई काम चल रहा है, मेंटेनेंस वर्क होता होगा, लाइट वगैरह होगा। और उस साइड के ब्रिज की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है, उधर गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, मतलब कि बहुत धीरे धीरे रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल के वीडियो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों इस ब्रिज के बनने के बाद जो ट्रैफिक की समस्या थी एक तरफ से आने जाने की, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब ब्रिज पे देख सकते हैं ट्रैफिक एकदम नहीं है दोस्तों, एकदम खाली ब्रिज जा रहा है। जहां तक नजर दौड़ाई जाए ब्रिज हमें खाली ही दिख रही है, और वही बात करें अगले तरफ के ब्रिज की तो हमें गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है सिर्फ।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रिज के ख़त्म होने की। ये हमारा सफ़र बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये क्या, यहाँ आने के बाद ट्रैफिक, ऐसा कैसे भाई? तो चलो यार, बाइक वाले के लिए फ़ायदा तो होता है कि वो साइड से निकल सकते हैं, बाइक और स्कूटी वाले के लिए ये फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ तो यार इन लोगों ने साइड को ही पूरा शायद बंद कर रखा है। साइड से गाड़ियाँ पास हो सकती हैं क्या? बेशक गाड़ियाँ पास हो सकती हैं साइड से। वैसे तो मुझे इस जाम के बारे में लगा नहीं था कि इस ब्रिज पे जाम हो सकता है, वो भी इस तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये तो हमारा इस ब्रिज का पहला ब्लॉग था दोस्तों, और बहुत जल्द हम इवनिंग टाइम में भी ब्लॉग बनाएंगे इस ब्रिज का, क्योंकि इवनिंग टाइम में जो व्लॉग बनेगा उसमें आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगा इस ब्रिज का। ये तो हमने सिर्फ नॉर्मल दिखा दिया आपको ऊपर ऊपर से कि ये ब्रिज कैसा दिख रहा है, इस पे गाड़ियाँ कैसी चल रही हैं, किस तरीके से रफ्तार है गाड़ियों की, वो सब हमने यहाँ देखा। और अगले वीडियो में जो कि बहुत जल्द हम बनाएंगे, अगला वीडियो बहुत जल्द हम लाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लाइटनिंग कैसी है इस ब्रिज की। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमने जो ब्लॉग बनाया वो गायघाट ब्रिज का ब्लॉग था दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सर्कुलेट करें, सब्सक्राइबर बढ़वा दें, क्योंकि जो करना है वो आप लोगों को करना है। और आपके लिए रोज़ इसी तरह कुछ नए मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे, कभी ब्लॉग के वीडियो आएंगे, कभी स्ट्रीट चैलेंज, कभी फूड चैलेंज, अलग अलग तरह के आपको वीडियो इसमें मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। दोस्तों अब हम वापस जाएंगे, और वापस जाने का ये रास्ता आप देख रहे हैं, और ट्रैफिक भी आप देख लीजिए, इधर भी उसी तरह ट्रैफिक है, और काफ़ी दूर तक आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, एकदम दूर तक ट्रैफिक है यहाँ पे। यहाँ पे हर रोज़ नहीं है, कभी कभी यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, और जब लगता है तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता है। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं वापस पटना की ओर, अपने घर की ओर। तो दोस्तों ट्रैफिक देख सकते हैं आप, ट्रैफिक इतना है कि हमें साइड से चलना पड़ रहा है बाइक ऊपर चढ़ा के, और ये काफ़ी लंबा ट्रैफिक है दोस्तों। जहाँ से इधर से शुरू हुआ है जो राइट लेन या लेफ्ट लेन जो भी कहें, हमारा तो लेफ्ट है ये, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये अभी कुछ देर पहले इस ब्रिज से हम लोग गुजरे थे, और अब इधर से जा रहे हैं हम लोग। इस ट्रैफिक को देख के आप सोचिए कि इस ब्रिज पर भी कितना लोड पड़ रहा होगा, कितना ज़्यादा लोड है अभी इस ब्रिज के ऊपर। जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो लोड ज़्यादा फील नहीं होता, लोड कम पता चलता है, लेकिन जब सारी गाड़ियाँ एक ही जगह रुकी हुई हों तो लोड बहुत लगने लगता है। और दोस्तों जो 1972 में ब्रिज बनने में हाथ लगा था, और 1982 में जब बन के कम्प्लीट हुआ था, तो ब्रिज इस तरह दिखता था, दोनों साइड का इस तरह से था। और अभी जो 2014 में उधर रिकंस्ट्रक्ट के लिए हाथ लगा, और 2020 तक वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें बहुत दूर जाना है यार, बहुत दूर जाना है। और ट्रैफिक जैसे हमने आते वक्त ही देखा था कि ट्रैफिक उस साइड तक था, मतलब कि पटना के उस कोने तक ट्रैफिक है।
जो हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं लगता है काफी जल्दी में, बहुत देर से हॉर्न बजाए हुए हैं। अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जाओगे भाई, आगे भी तो जाम ही है। ये ट्रैफिक देख लीजिए, अभी तक ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी आगे तक ये ट्रैफिक है। अब पता नहीं इसका कारण क्या है। अगर आपके पास बाइक है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ऐसे ट्रैफिक के सिचुएशन में, क्योंकि बाइक वालों को तो जगह आराम से मिल जाती है। जैसे कि हमें ही देख लीजिए, बाइक है तो हम लोग साइड से निकल के जा रहे हैं, बाइक अगर नहीं होता या हमें किसी बस में होते हैं या फोर व्हीलर से होते हैं तो अभी सोचिए हम लोग कहाँ आए, हम शुरुआत में अभी अटके होते हैं, अभी हम लोग ब्रिज पर चढ़े भी नहीं होते। ट्रैफिक इस तरीके से देखिए, लोग बसों से बाहर निकल के ट्रैफिक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग तो पैदल ही आगे बढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि यार 2-3 घंटे इस ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है कि मैं पैदल ही निकल लूँ, मैं तो 1 घंटे में पैदल पहुँच ही जाऊँगा पटना। देखिए ये भाई लोग, वो देखिए भाई लोग पैदल ही निकल चुके हैं। क्या हुआ है ये भैया को, तो दोस्तों लगभग हम पहुंचने वाले हैं पटना की तरफ। बहुत सारे लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है यार, और ये ट्रैफिक किस बात की कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ से जो गंगा नदी है वो ख़त्म होती है और यहाँ से पटना का इलाका शुरू हो जाता है।
देखिए पुलिस वाले लोग गश्त लगा रहे हैं। अब हम इस जगह से उतरेंगे नीचे की ओर। अब वापस वही है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन। यार ऐसे जगह पे गाड़ी चलाने का एकदम मन नहीं करता यार, बहुत ज़्यादा धूल रहता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत होते हैं। चलिए आपको एक बार और नज़ारा दिखा देते हैं छोटी गुरुद्वारा का, देख लीजिए। और यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल एकदम विजिबल हैं, देख लीजिए आप कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ट्रैफिक इतनी थी कि हमें फिर से वापस ऊपर चढ़ना पड़ा, गाड़ी को उठा के ऊपर चढ़ाना पड़ा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर उधर इंतजार करते तो इंतजार ही करते रह जाते हैं। ये इतनी सारी भीड़ यहाँ क्या कर रही है, ये सब शायद बस के लिए खड़े हैं। लेकिन इस साइड कहाँ मीठापुर। तो दोस्तों ये था गंगा ब्रिज और महात्मा सेतु ब्रिज जो भी कहें, तो उस पर हम लोग एक तरफ से गए हैं, दूसरी तरफ से वापस आए। आपको नया ब्रिज दिखाया, पुराने ब्रिज पे ट्रैफिक दिखाया, और उसके अलावा जगह जगह पुलिस वाले भी थे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। और इस तरह से आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला, इतने ट्रैफिक तो खैर मैंने देखा नहीं था। और प्लस पॉइंट ये रहा कि हम बाइक से थे तो हमने गाड़ी को साइड में ऊपर चढ़ाया, वहाँ से लेते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। या दोस्तों और आगे भी आपको इसी तरह के कमाल के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग और आपसे विदा लेते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और साइनिंग ऑफ।